जंगे सितंबर 1965 के पसे मंजर में लिखा हुआ एक शाहकार नावल बीआरबी बहती रहेगी, जिसमें पाक भारत जंग के वलवला हेज वाकयात शामिल हैं। नावल शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ नावल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। एक और बात सुनाऊं, उकता तो नहीं जाओगी, ये मेरी नुकरानी है, इसकी खूबसूरती तुमने देखी है, मैंने इस पर भी जाल फेंका था लेकिन हाथ ना आई, मैंने इसे 10-10 के नोट दिए थे जो इसने मेरे मुंह पर दे मारे थे। मैं इसे हमेशा इन्हीं नजरों से देखता रहा और मैंने इसे इस कमरे में भी देखा है, मैंने इसे बगैर आंखों के देखा है, इसके हाथ मेरे हाथों को पकड़ते हैं, इसका जिस्म मेरे जिस्म के साथ लगता है, इसके गाल मेरे गालों के साथ लगते हैं, लेकिन इसके लम्स में तकद्दुस है, इसके जिस्म को मैं काबिले एहतराम समझता हूँ, मैंने इस जैसी तुम जैसी पाकिस्तान की हर औरत जैसी एक औरत की लाश बीआरबी में बहती देखी थी। उस लाश ने एक बच्चे की लाश को अपने मुर्दा सीने के साथ चिपका रखा था, उस लाश की खुली आंखें मुझे देखती आगे चली गई थी। फिर असमत मैंने एक बच्ची की लाश देखी थी जो तोप के गोले से शहीद हुई थी, उसकी भी आंखें खुली थीं और मुझे देख रही थी, इन मुर्दा आंखों ने मेरी रूह की आंखें खोल दी। तुमने ऐसी बातें क्यों शुरू कर दी हैं, कैप्टन असमत ने पूछा। तुम्हारे रवैये से मजबूर होकर इकबाल ने कहा, जाओ असमत, मैं तुमसे ऐसी कुर्बानी नहीं मांगूंगा कि तुम एक अंधे से शादी कर लो, मेरे लिए मोहब्बत का तसव्वुर बदल गया है। कैप्टन असमत आहिस्ता आहिस्ता चलती कमरे से निकल गई, इकबाल उसके कदमों की चाप सुनता रहा और हंस पड़ा। हाजो, उसने आवाज दी। हाजरा दौड़ी आई, उसके पीछे पीछे नाश्ता आ गया। हाजरा ने नाश्ता लाने वाले के हाथ से ट्रे लेकर इकबाल के बेड पर रख दी और टोस्ट पर मक्खन और जाम लगाने लगी। हाजो जी, अपने लिए भी चाय बना लो, इकबाल ने कहा, और नाश्ता मेरे साथ करो, ऐसे अच्छा तो नहीं लगता ना इकबाल जी, हाजरा ने मासूम से लहजे में कहा। मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है हाजो, इकबाल ने कहा। नाश्ते के कुछ देर बाद इकबाल का बाप माँ और कुछ करीबी रिश्तेदार आ गए। इकबाल की छोटी बहन इसलिए ना आ सकी कि शमा को तेज बुखार था। इकबाल के चेहरे पर सूरज की तपश के असरात बड़े साफ थे, रंग गहरा सांवला हो गया था, फिर भी चेहरे पर रौनक थी, उदासी का नामो निशान ना था, और उसने हंसते हुए सबका इस्तकबाल किया। औरतों ने इकबाल के बेड को नरगे में ले लिया। हाजरा इकबाल के बाप को बाहर ले गई। इकबाल जी नहीं मानते, हाजरा ने इकबाल के बाप से कहा। क्या नहीं मानते, मैंने इन्हें कहा था कि डॉक्टर साहब को कहें कि मेरी आंखें निकाल कर इकबाल जी को लगा दें। हाजरा ने कहा, पर ये नहीं मानते। अल्लाह तुम्हें खुश रखे हाजो बेटी, इकबाल के बाप ने उसके सर पर हाथ रख कर कहा। ये कोई मानने वाली बात तो नहीं, इकबाल का बाप इसे रस्मी या जज्बाती पेशकश समझ रहा था। मैंने डॉक्टर साहब को कहा था, हाजरा ने कहा, वो भी नहीं मानता। इकबाल जी को एक मैम साहब दुआई देने आती है, मैंने उसे भी कहा था, उसने भी मेरी बात नहीं सुनी। आप डॉक्टर साहब को कहें ना बेटी, इकबाल के बाप की आवाज उखड़ गई, बुखलाते हुए बोला, ना बेटी नहीं हाजरा बीबी, मैं इन आंखों को क्या करूंगी। हाजरा ने पुरअज़म और बड़े ही मासूम लहजे में कहा, इकबाल जी जवान आदमी है, उन्होंने बहुत सारे काफरों को मारा है। ना बेटी, इकबाल के बाप ने संभली हुई आवाज में कहा, किसी जिंदा इंसान की आंखें निकाल लेना गुनाह है, अपने बेटे की खातिर कोई बाप किसी बेटी को अंधा नहीं करेगा, तुम मेरी बेटी हो हाजो। सूबेदार अकबर अली के बाद चौधरी करामत दूसरा आदमी था जिसने हाजरा के सर पर हाथ रख कर उसे बेटी कहा था। पहले तो वो हैरान हुई, फिर ये हैरत एक एहसास बन गई, एहसास ये कि वो दुनिया में बेकार शय नहीं और उसकी कुछ न कुछ अहमियत और कदर कीमत जरूर है। इस एहसास ने उसके दिल में कुछ कर गुजरने की तड़प को और ज्यादा शदीद कर दिया। उसने इकबाल की माँ से भी कहा कि वो अपनी आंखें इकबाल को देना चाहती है। माँ का रद्दे अमल भी इकबाल के बाप जैसा था। इकबाल को देखने के लिए वजीराबाद से औरतों और मर्दों का एक हजूम आ गया था। हाजरा बाहर बरामदे में फर्श पर बैठ गई, उसके जहन में उसकी आंखें घूम फिर रही थी। अफजाल ने दो तीन बार उसे कहा था, हाजरा तुम्हारी आंखें बहुत ही दिलकश हैं, इनमें तो जादू है। उसे याद आ रहा था कि उसे छेड़ने वाले एक लड़के ने कहा था, ओ जालिम, इन आंखों पर पर्दा डाल के रखो, ये तो कत्ल
करती हैं। हाजरा को गुस्सा आने लगा, उसे अपनी आंखें बुरी लगने लगी। उसे जिस तरह उन आवारा लड़कों से नफरत हो गई थी, इसी तरह उसे अपनी आंखों से नफरत होने लगी। इस कदर नशीली आंखें उसे चोरी का माल नजर आने लगी, जैसे उसने इकबाल की आंखें चुरा ली हों। उसे साथ के वार्ड से मुहाजग जख्मियों के नारे सुनाई देने लगे, उसकी रगों में खून खोलने लगा। फिर उसे फजा में एक गर्ज और गर्जदार जनाटा सुनाई दिया। इस आवाज को वो पहचानती थी, पाक फजाइया के लड़ाका बम्बार तैयारे ऊपर से गुजर गए थे। वो सोचने लगी कि कौम का हर फर्द किसी न किसी तौर पर जंग में शरीक है। लोग खून दे रहे हैं, दिफाई फंड में पैसे दे रहे हैं, फौजियों के लिए खाने पीने की चीजें और तोहफे भेज रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रही थी। उसके सीने में धमाके होने लगे। वो महाज पर नहीं जा सकती थी, वो इंडियन एयरफोर्स के त्यारों के पार नहीं नोच सकती थी, उसके पास कपड़े नहीं थे, फौजियों को देने के लिए तोहफे नहीं थे। वो अपने जिस्म का सारा खून पाक फौज की नजर कर सकती थी, वो अपनी आंखें लेफ्टिनेंट इकबाल को दे सकती थी, मगर उसकी आंखें किसी ने कबूल न की। उसे यूं दुख हुआ जैसे उसकी कुर्बानी खुदा ने ठुकरा दी हो। वो तड़प उठी और उसके आंसू निकल आए। उसे महसूस हुआ जैसे उसके पास कोई खड़ा हो। उसे पांव नजर आए, उसने ऊपर देखा, वो इकबाल का मामू था और उसके पास उसकी बीवी खड़ी थी। हाजरा इन्हें जानती थी, दोनों इकबाल के घर आया करते थे। घर में जो बातें होती थी, इनसे हाजरा को पता चला कि इकबाल का मामू इकबाल को अपनी बेटी का रिश्ता दे रहा है। आज मामू अपनी बीवी के साथ इकबाल को देखने दूसरे रिश्तेदारों के हजूम के साथ आया था। ये दोनों कमरे से बाहर आ गए थे। इन्हें मालूम ना हो सका कि उनके कदमों में इकबाल के घर की नौकरानी बैठी है। बरामदे में जख्मियों के लवाहकीन का हजूम रवां दवां था। बेचारा हमेशा के लिए अंधा हो गया है, इकबाल के मामू ने अपनी बीवी से कहा। सारी उम्र गारत गई बेचारे की, मामू की बीवी ने कहा। डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टरों ने तो साफ कह दिया है कि बेनाई मारी गई है, मामू ने जवाब दिया। अल्लाह को यही मंजूर था, मामू की बीवी ने कहा। मैं डरती हूँ कि आप जज्बात में आकर ही कह देंगे कि इकबाल परवाह न करो, अल्लाह मालिक है, मैं अपनी बेटी तुम्हें दे रहा हूँ। ये वक्त जज्बात का ही तो है, लेकिन हमारी एक ही बेटी है।